श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। यहाँ यमुना जी का जल है, यहाँ शुद्ध निर्मल मन है, यहाँ रसिकों के प्राण हैं। इसलिए नारद जी ने कहा, हे देवी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ आकर के आप एकदम तेजोमय हो गई, युवा हो गई, बालक बूढ़े हो गए। ये तो होना ही था, ये तो वृंदावन का चमत्कार है। तो देवी भक्ति ने कहा, महाराज चलो, जो होना था सो हो गया, पर अब उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, इनको होश में ही तो लाना है, कौन सी बड़ी बात है, मंत्रों में बड़ी शक्ति, हम अभी इनको, इनकी मूर्छा को दूर किए देते हैं। नारद जी ने इनके कान में मंत्रोच्चारण किया, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सबके मंत्र सुना दिए, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। जागते फिर सो जाते, जागते फिर मूर्छित हो जाते। अब नारद जी बड़े उदास, चिंता में थे। तभी आकाशवाणी ने एक और प्रश्न दे दिया। आकाशवाणी ने कहा, इनके उद्धार के लिए सत्कर्म करो, जाओ। अब नारद जी के मन में एक प्रश्न अटक गया कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है, क्या होता है सत्कर्म? दान करना, यज्ञ करना, व्रत करना, तपस्या करना, होता क्या है सत्कर्म? बस अब तो खोज चालू हो गई नारद जी की, खोजो क्या है सत्कर्म। खोजते खोजते बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ पहुंचे। सामने से सनकादि ऋषि आ रहे थे, बोले ये बताएंगे। इनसे पूछा, महाराज आप बताइए क्या सत्कर्म क्या हो सकता है। तब इन चारों महापुरुषों ने कहा, श्री मद भागवतालाप सतुगीत शुका देवी, हे देवर्षि, भागवत कथा ही सबसे अच्छा, सबसे प्रमुख सत्कर्म माना जाता है, इसलिए आप इनके लिए भागवत कथा का आयोजन कराओ। ऋषिकेश आनंद घाट पर कथा हुई सनकादि वक्ता, और कथा जैसे ही आरंभ हुई, कथा की चर्चा ब्रह्मांड में फैल गई, सब ओर से लोग आकर के इस कथा में सम्मिलित हुए। और जैसे कथा विश्राम हुई, भरे पंडाल में एक आश्चर्य हुआ। बीच पंडाल में एक माता, एक स्त्री, दो पुरुषों को लेकर के प्रकट हो गई, और ये सब वहाँ एकत्रित होकर के जोर जोर से कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण होकर के तरुण भक्ति देवी दोनों अपने बालकों को लेके प्रकट भई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुर्वदंती, ये नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति प्रकट हुई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सबको कहा कि देखो भैया, जो ज्ञान वैराग को होश में हम किसी और रास्ते उपाय से न ला पाए, श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से इन दोनों का उद्धार हो गया। भक्ति देवी सबके हृदय में विराजमान हुई, सबके चित्त में बैठी। इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, ये भागवत इतनी कीमती है, इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि यहाँ ज्ञान वैराग जैसे तपस्वियों को भी तारने का सामर्थ्य भागवत जी रखती है। ऋषियों ने कहा, अच्छा क्या कोई उपाय है कि भागवत किसी पापी को भी तारे? शुद्ध को तार देना बड़ी बात नहीं, किसी पापी को तारना बड़ी बात है। बोले हाँ, एक बार एक दृष्टांत सुनाते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेन पाप हानि प्रजायते। एक इतिहास की घटना, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी धुंधली। आत्मदेव तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, समझदार थे, पर जो उनकी पत्नी थी ये बड़ा विचित्र थी। इनका मानना था कि जो हमारे पतिदेव कह दे उसी का उल्टा तो करना ही करना है। माँ आत्मदेव महाराज जानते थे कि इसकी बुद्धि हमेशा उल्टी काम करती, पर भैया क्या करें, अब जैसी भगवान ने दे दी। देखो, दो तरह की पत्नी होती है, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है गर्म पत्नी। अब भगवान जिसको जैसी दे दे उसको वैसी निभा लेनी चाहिए शांति से। आत्मदेव महाराज ने सोचा, भगवान ने इसको हमारे पल्ले भेजा। और एक बात और है, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए ना, सबकी पत्नी तेज तर्रार हुई है।
अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। अब अगर आपकी वाली तेज है तो समझ लो आप उस श्रेणी में बढ़ रहे हो अभी धीरे धीरे, महापुरुष वाली श्रेणी। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए टॉल्स्टॉय, अंग्रेजी दार्शनिक हुए, उनकी पत्नी बड़ी भयानक थी, जब देखो लड़ती झगड़ती रहती थी, जब देखो वो कुछ बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चे उनसे कहते कि उनसे कहा करते थे कि जी आपकी पत्नी कुछ बोलते क्यों नहीं आप, तो टॉल्स्टॉय कहते थे ये हमारा मीटर है नापने का कि अभी हम में कितना पेशेंस बचा है, और तो कोई मीटर होता नहीं दुनिया में, अब चाय कॉफ़ी हो तो उसको लीटर में, कपड़ा हो तो उसको मीटर में नाप सकते, पर हमारे भीतर कितना धैर्य है ये कैसे नपेगा। बोले इसके लिए भगवान ने हमको ये दे दी कि समय समय पे हमको नापती रहती है कि हम कितने गड्ढे में हैं, अभी हम में धैर्य कितना बाकी है। तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी, देखो इतिहास के तीन संत हुए, तीनों संतों की जो घटना थी ना वो तीनों अलग अलग थी। एकनाथ जी की पत्नी बहुत अच्छी थी, वो उनका भक्ति में सहयोग करती, तो एकनाथ जी भगवान को रोज धन्यवाद देते कि हे प्रभु आपने इतनी अच्छी पत्नी दी हमको, देखो हमारे संग बैठती है, पूजा करती है, सहयोग करती है, धर्म में मदद करती है, तो धन्यवाद देते थे। एक थे नरसिंह जी गुजरात के जूनागढ़ के, एक की पत्नी बहुत अच्छी थी तो भगवान को धन्यवाद देते। नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया, अब इनकी पत्नी मरी तो सबने सोचा नरसिंह रोएगा, पर इन्होंने दोनों हाथ उठा के कहा कि भलो थयो भागी जंजाल सुखथी वजसु श्री गोपाल, भलो थयो, एक ही जिम्मेदारी थी हमारे आगे पीछे वो भी गई, अब हम आराम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो एक की पत्नी अच्छी थी तो धन्यवाद, एक की चली गई तो धन्यवाद। तुकाराम जी, इनकी एकदम उल्टी थी, घर में जब तक रोजाना झगड़ा ना कर ले तो इनका पेट का पानी पचता नहीं। एक बार तुकाराम जी गए संकीर्तन करने किसी के घर, कीर्तन करके वापस आ रहे थे तो यजमान के यहाँ से खूब मेवा मिष्ठान पकवान सब मिला था, किसी ने आके इनकी पत्नी को बता दिया कि आज तो महाराज को बड़ा माल मिला है, तो खुश होके दरवाजे पे खड़ी थी कि माल आ रहा होगा, मीठा आ रहा होगा, पर तुकाराम जी का भाव क्या था, जो मिलता है इनको बीच में, जो मांगता उसको प्रसाद बांटते आते, तो बांटते बांटते जब तक घर आए झोला खाली, बस एक गन्ना बचा था, गन्ने को मराठी में शायद शिरडी बोलते हैं, शिरडी या गुजरात में बोलते पता नहीं, मैं इतने प्रांतों में बोलती हूँ घूमती हूँ ना, सब मिक्स हो जाता है, कौन सी भाषा क्या बोलते हैं मराठी में, फूस, फूस बोलते हैं, अच्छा लो हमारे यहाँ फूस उसको बोलते हैं, गाय वाला जो बड़ा, अभी गुजरात से आए ना इसलिए गुजराती घूम रही दिमाग में। तो जी वो गन्ना लेकर के आ गए, अब गन्ना लेकर के जैसे आए तो पत्नी तो सोचे बैठी थी माल आ रहा होगा, अब ये वह एक गन्ना लेकर के आए तो बोली वो कहाँ है मेवा मिष्ठान, बोलो तो सब बांट दिया प्रसाद में। अब तो महाराज इनको तो एकदम निकाला, बोले ले तेरे लिए गन्ना लेके आया हूँ, लेकर के गन्ना और तुकाराम जी के ऊपर ही मारा, उसके दो टुकड़े हो गए। अब दो टुकड़े हो गए तो अब कोई संसार वाला होता पति पत्नी तो यही महाभारत चालू हो जाती, तूने हमको हम तुझको भाई यहीं शुरू हो जाता। और तुकाराम जी ने क्या कहा, वाह वाह प्रभु धन्य हो, बीवी हो तो ऐसी हो, भगवान सबको ऐसी बीवी दे, इतनी समझदार, मैं पूरा रास्ता सोचते आया, घर में गन्ना खाने वाले दो गन्ना एक, कैसे बंटवारा होगा, ले आते आते समस्या का हल कर दिया, ले आधा तू ले आधा मैं खा। अब तुकाराम जी भगवान को धन्यवाद देते, भगवान बढ़िया आपने ऐसी बीवी दी, ज़्यादा प्यार करने वाली देते तो हमारा मन इसी में लगा रहता, आप तक तो जाता ही नहीं। तो तीनों की परिस्थिति अलग अलग है पर तीनों भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिसको जैसी मिली है भगवान को रोज धन्यवाद दो, ये ठाकुर जी आपने धर्म में सहयोग करने वाली तो धन्यवाद, ज़्यादा मोर
कोई वैसी मिल गई तो भगवान से कहो प्रभु आपने धन्यवाद।